सफाबादी गेट पटियाला के कृष्ण कुमार के परिवार पत्नी एवं दो बच्चों की ही तरह पटियाला शहर में कोरोना वायरस का एक और केस पॉजिटिव आया है, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ने किया। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय पीड़ित व्यक्ति के तीसरे पॉजिटिव केस के संपर्क में था। उसकी पत्नी और दो लड़कों को भी सरकारी जिंद्रा हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। किताबों वाले बाजार से कुछ और परिवारों को भी इत्यातन चेकअप के लिए सरकारी एम्बुलेंस द्वारा एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के अंडर रजिंद्रा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट टीम के द्वारा जी हाँ कुछ परिवारों को, जिनमें देखिए एक लेडीज को आप जाते देख रहे हैं, उनमें से देखिए अभी आप एक जेंट्स जो कुछ अपने घर से अपने साथ सामान भी साथ ले जा रहा है, क्योंकि एक दो दिन लग सकते हैं रिपोर्ट आने में। बच्चे को, छोटे बच्चे भी जब साथ होते हैं तो दिल में दर्द सा उठता है कि ये कोरोना कैसी बीमारी है जो अपने साथ साथ छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। नहीं देखा जाता, इन लोगों को रजिंद्रा हॉस्पिटल चेकअप के लिए भेज दिया गया और उसके बाद एरिया को सील कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सील किया है। आइए जानते हैं कि ये कौन सा एरिया है। ये कच्चा पटियाला वायदा विच किताबों का बाजार लगता, बी टैंक है, ये अपना पुराना लाल बाग है, ये सारा एरिया। इतों वैसे चार पाँच केस आए थी, बाकी ये नैशनल स्कूल के लागे डिस्पेंसरी खोली गई है, उत्थे सारे मतलब जिनी भी फैमिली कवर एरिया किया, ये स्कैनिंग करनी है। सारे स्कैनिंग तो बाद फिर पता चलेगा कि स्टे होम सेफ होम, बस यही फॉर्मूला काम आने वाला है। लेकिन उसके बाद साथ के साथ ही लंगर जो चला रहे थे लोग सड़कों पे, डीसी साहब द्वारा वो बंद कर दिया गया पूरे एहतियातन। हर गली मोहल्ले में जो है वो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। कुछ समाज सेवी लोगों की मदद भी ली जा रही है सैनिटाइज करने के लिए। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, वाहनों को सैनिटाइज कर रहे हैं और सख्ती की गई है लोगों आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। और कुछ टीमें जो हैं वो स्क्रीनिंग करने के लिए निकल चुकी हैं और लोगों को गाइड भी किया जा रहा है कि किस तरह से उनको रहना है। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਮਾਸਕ ਪਲੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? मतलब ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ? ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ? ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ? ਆਈਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸੇ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰ ਡੇਲੀ ਦੀ 60-60 ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਮਤਲਬ 60 ਹਾਊਸਿਸ, 60 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
इसके साथ ही शुरू हुआ पटियाला में फॉगिंग का दौर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पटियाला पूरी तरह से वचनबद्ध है, गवर्नमेंट ने कमर कस ली है। जी हाँ, प्रशासन ने सोच लिया है कि इस लड़ाई में हमने अपनी जीत हासिल करनी है और कोरोना को इस बादल में, जो ये बादल आप देख रहे हैं इस समय, इसमें हमेशा हमेशा के लिए लुप्त कर देना है और जीत हासिल करनी है। अब कोई भी परिवार कोरोनाटाइज नहीं होगा, हम कोरोनाटाइज करेंगे किसको? कोरोना वायरस को। जी हाँ, कोरोना वायरस को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ U24 लाइव टीम आपसे विदा लेता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मास मीडिया अफसर दफ्तर सिविल सर्जन पटियाला, अज 18 अप्रैल शाम 6:30 बजे साडे पटियाला जिले दे विच कोविड की स्थिति है उहदे बारे आपां जानकारी लवांगे साडे सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। सो बेनती है कि वह सानू अज 18 अप्रैल नू शाम 6:30 बजे कोविड की स्थिति बारे जाणू करवाण। अज जिहड़ी 60 साल बजुर्ग औरत राजपुरे तो पॉजिटिव पाई गई सी, उन्हां दे जिहड़े 16 संबंधियां दे सैंपल ले गए सी, उन्हां चो 6 पॉजिटिव पाए गए ने। ते इस तरह ही किताब बाज़ार चो जिहड़े सज्जन दे पॉजिटिव आए टैसट, उन्हां दे पड़ोसियां दे ते नेड़ले संबंधियां दे जिहड़े सैंपल कल ले गए सी, उस चो 9 पॉजिटिव आए ने। तो उन्हां नू सारयां नू आइसोलेशन च शिफ्ट कर दिता गया है और वो इलाका कल ही कंटेन कर दिता सी। और अज साडे एपीडेमियोलॉजिस्ट भी उत्थे इलाके च आप घूमे हैं, लोगों नू यही बेनती करन लगे अपने घरां च रहो, मूवमेंट्स ना करो। तो इस तरह 23,975 घर साडी टीमां ने अज सर्वे जिहड़ा चल रहा स्क्रीनिंग दा पूरा किया है। 237 टीमां लगियां हैं, 96,596 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और ये हाली 2 या 3 दिन होर जारी रहेगी ताकि पूरी मुकम्मल कर ली जाए। इस तरह ही डीसी साहब वालों कल जिहड़ा किताबा खरीदने वाले पेरेंट्स नू रिक्वेस्ट की गई सी कि वह अपनी सूचना देन, उन्हां चो 68 ने सानू सूचना दित्ती सी कंट्रोल रूम ते, ते उन्हां चो 28 परिवारां नाल साडियां टीमां ने संबंध स्थापित किया है जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकियां नाल भी छेती संबंध स्थापित कर लिया जाएगा। फिर एक कोई बेनती है कि बेलोड़ी मूवमेंट्स ना करो, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो और अपने हैंड सोप ते वाटर नाल बार बार साफ करो। थैंक यू।